Hi viewers, welcome to the second video of time speed distance. In this video, we will be covering up the concept of average speed. Now, the basic formula jo hum average speed ka use karte hain, that is average speed is given by total distance divided by total time. So total distance divided by total time जो है वो हमारा basic average distance का formula रहता है, ठीक है? तो without wasting time, let us move on to the question and see the application of this formula. Question number one: Chandu covers 1200, 1000 and 800 kilometers in 6, 5 and 4 hours respectively. What is his average speed? तो अभी हमने देखा कि average speed is given by total distance upon total time. तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 1200 प्लस 800 प्लस 1000 एंड जो टोटल टाइम है दैट इज 6, 5 एंड 4. सो बेसिकली दिस बिकम्स 3000 डिवाइडेड बाय 15. सो माय आंसर शुड बी 200. तो इसका मतलब जो एवरेज स्पीड है चंदू की दैट इज 200 किलोमीटर पर आवर. Kindly pause the video and note down the solution. Once clear, then move on to the next question. Question 2. Question 2 kehta hai, the cyclist completes first half of his journey at the rate of 40 and second half at the rate of 60. Find his average speed. Ab aap is question mein dekh sakte hain, aapko distance nahi bata rakha, but yahan pe unhone keh rakha hai ki aapke paas jo value hai, wo de rakhi hai aapko first half aur second half ki. तो इस केस में आपको यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस नहीं दे रखा, बट ये कह रखा है कि जो फर्स्ट हाफ है और सेकंड हाफ है वो इक्वल है. तो जब भी आपको दो इक्वल डिस्टेंसेस दे रखे हो और उनकी स्पीड दे रखी हो, उन डिस्टेंसेस को कितनी स्पीड पर ट्रैवल किया है, तो ऑलवेज यूज दिस शॉर्टकट, दैट इज ट्वाइस स्पीड वन स्पीड टू अपॉन स्पीड वन प्लस स्पीड टू. तो यहाँ पे जो आपकी स्पीड वन आ रही है दैट इज 40, स्पीड टू इज 60. सो इट शुड बी 40 प्लस 60. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 4800 डिवाइडेड बाय 100. हेंस द वैल्यू इज 48 किलोमीटर पर आवर. काइंडली इसको पॉज करके मेरा वीडियो का अगला पार्ट समझिए. उसके अंदर अगर हमें तीन पार्ट्स दे रखे हों तो कैसे करेंगे उसको समझाया है मैंने. अब अगर इसी पार्ट में आपको तीन इक्वल डिस्टेंसेस कह दिए जाते और वो कवर होते स्पीड वन स्पीड टू और स्पीड थ्री पे, तो मेरा एवरेज का जो फॉर्मूला होता दैट वुड हैव बीन थ्राइस स्पीड वन स्पीड टू स्पीड थ्री डिवाइडेड बाय स्पीड वन स्पीड टू प्लस स्पीड टू स्पीड थ्री प्लस स्पीड वन स्पीड थ्री. ये तीन इक्वल डिस्टेंसेस के लिए आपके पास फॉर्मूला तैयार है. काइंडली नोट डाउन दिस फॉर्मूला एंड ध्यान रखिए तभी अप्लाई हो सकता है जब दो इक्वल डिस्टेंसेज हों या तीन इक्वल डिस्टेंसेज हों. उसके अलावा आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला जो है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वही अप्लाई करना पड़ेगा. आई होप सबको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है जी? और काइंडली कीप ऑन लाइकिंग रिव्यूइंग एंड शेयरिंग आर वीडियोज. थैंक यू.